अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। आलू कचौड़ी की डो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स राइट डाउन कर लीजिए। मैदा 1 कप, नमक एज रिक्वायर्ड या 1/2 टेबल स्पून, 2 चुटकी आपने बेकिंग पाउडर के डालने हैं, ऑयल आपने 2 स्पून लेने हैं लेकिन ये वाले, वाटर एज रिक्वायर्ड। अब इसको अच्छे से मैश कर लें। ये देखिए जब इसकी लुक ऐसी हो जाए तो अब इसमें हम पानी ऐड करना शुरू कर देंगे। आपने इसको बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जैसे कि हम सादा आटा गूंदते हैं। ये देखिए जैसे इसके फॉर्म में आ गई है ये। देखिए बिल्कुल यकजा हो जाए। पे ऑयल लगा के अच्छे से इसको हमने 30 मिनट्स के लिए ढाँप के रख देना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इससे हमारी डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी और अच्छी बनेगी। तब तक के लिए 30 मिनट्स के ब्रेक में हम बैटर तैयार करते हैं। 3 से 4 अदद मैश किए हुए आलू, स्मॉल साइज में चॉप किया हुआ 1 ऑनियन, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, लहसुन का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, 4 से 5 सब्ज मिर्ची चॉप की हुई, अदरक पेस्ट 2 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। 1 स्पून ऑयल डाल दिया है हमने। जब ये हीट अप हो जाए तो हम इसमें ज़ीरा डाल के लाइट फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैश किए हुए आलू डाल लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ज़ीरे की। अब इसमें हम 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सूखा धनिया डाल रहे हैं, हल्दी, नमक डाल दिए इसमें, 1 टेबल स्पून रेड मिर्च, लहसुन, उसके बाद अदरक। इसको अब आप ठीक तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें सब्ज मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ में जो 1 ऑनियन था वो। जब तक हमारा बैटर तैयार होता है मैं आपको बनाना सिखाती हूँ इमली की चटनी। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। अब हम इसको ढाँप देंगे ताकि इसकी ओनियन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। इमली की चटनी बनाने के लिए 700 ग्राम इमली मैंने 1 घंटा पहले ही 1/2 कप पानी में भिगो कर रख दी थी। अब हम इसको स्टेनर से स्टेन कर लेंगे। इमली का पानी तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े वाले चम्मच चीनी के डाल देंगे पकाने के दौरान और साथ में 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। पानी को हमने पकने के लिए रख दिया है। इसमें 1.5 कप हम बटर डाल देंगे, 2 स्पून हम इसमें शुगर डाल देंगे,
टेबल स्पून हमने नमक, और अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। देखिए बिल्कुल तैयार है ये। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए डो हमारी तैयार हो चुकी है, जैसे हम चाहते थे बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट। नेक्स्ट प्रोसीजर अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। इसको रोल करके अंदाजे से हम इसके कटिंग कर लेते हैं पेड़ों की। सिक्स से सेवन आराम से इजीली हमारे ये सिक्स बन गए हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैदा फैला के इसके एज को प्रेस करना है। ये इस तरह देखें, हाथ में लेके प्रेस करें, बिल्कुल इसकी लुक ऐसे बनानी है बाउल की तरह। अपना बैटर लेके आपने इसमें ऐड करना है जितना इजीली हो सके। सारे पेड़े लेकर हमने बिल्कुल इसी तरह तैयार कर देना है। इसके एज को आपने अच्छे से प्रेस करना है, बारीक हो जाए जरा, क्योंकि जब हम इसे कुक करेंगे तो ये फिर बिल्कुल कच्चा ना रहते, बिल्कुल अच्छा सा प्रेस होकर रहे इसको। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बहुत एहतियात के साथ कचौरी डालेंगे। साथ ही साथ इमली की चटनी पर नज़र डालते जाए, ज़ोरों शोर से पक रही है वो, लेकिन अभी इस पर काफ़ी टाइम है क्योंकि ये बहुत पतली है। देखिए अब इसे जल्दी से हम पलट देते हैं, गोल्डन से हो रहे हैं। ये देखें लुक आ रही है इसकी बहुत प्यारी प्यारी। बस वेट करते हैं दूसरी साइड के पकने का। गोल्डन शेड आ चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए एज रिक्वायर्ड बिल्कुल तैयार है, ठीक हो गया है। अब इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आलू कचौरियाँ तैयार हैं, ये एक दफ़ा आप घर में ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इसको इमली की चटनी, मायनीज, केचप, किसी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।